और नॉर्मल टाइम पे भी यहाँ पे बहुत सारी महफिल होती रहती है लेडीज़ की। तो ईद मिलाद की महफिल थोड़ी स्पेशल होती है, बहुत अच्छी होती है। तो जैसे कि सारे लेडीज़ और सारे जेंट्स अलग अलग महफिल यहाँ पे होती है, तो लेडीज़ की महफिल में हम जा रहे हैं और माशाल्लाह इतना इतना अच्छा लगता है वहाँ पे जाके, इतना सुकून महसूस होता है। बहुत अच्छी अच्छी तकरीर होती है, नाते पढ़ते हैं, सलाम पढ़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से मैं मोस्टली महफिलों में चले जाती हूँ, ऐसे ईद मिलाद या फिर ग्यारहवीं गौस पाक की जो महफिल होती है उसमें। मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए, तो महफिल हो गई थी। हम रात में थोड़ा लेट ही आए थे, तो मुझे जैसे कि मेरी फ्रेंड ही मुझे छोड़कर चली गई थी यहाँ पे घर तक, तो हम घर पे आ गए थे, लेट सोए थे। तो ये नेक्स्ट डे का है और यहाँ पे आज मुझे ज़र्दा बनाना है, तो ज़र्दे के लिए मुझे थोड़ा सा खोया चाहिए था, बट यहाँ पे फ्रेश खोया मुश्किल से ही मिलता है। तो मैंने सोचा कि मैं घर पे बना लेती हूँ, तो मैं इंस्टेंट खोया इधर यहाँ पे रेडी कर रही हूँ। मैंने क्या किया, 3/4 कप मैंने मिल्क पाउडर लिया, 3/4 कप ही मैंने वो मिल्क ले लिया और 1 टीस्पून घी डाल के उसे अच्छे से मिक्स कर लिया, लम्स नहीं रहना चाहिए उसमें। और उसे फिर नॉनस्टिक पैन में डालकर उसे अच्छे से हमें हिलाते रहना है, कंटिन्यू चम्मच चलाते रहना है, क्योंकि अदरवाइज़ इसमें लम्स हो जाएंगे। तो थोड़ी ही देर में देखो कि आप मिक्सचर जो है थिक होने लग जाता है। तो इस तरह से होते होते जो है हमारा खोया रेडी हो जाता है। तो देखिए इस तरह से खोया रेडी हो जाएगा। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, खोया जब ऐसे थिक हो जाए तो निकाल कर इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देना है। हाफ़ एन आवर के लिए अगर आप फ्रिज में रख दोगे इसे कोई भी एक बाउल में या एयरटाइट डब्बे में डाल के, तो खोया जो है रेडी हो जाएगा। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे मैं ज़र्दा रेडी कर रही हूँ। ज़र्दा की रेसिपी, फुल रेसिपी मैंने ऑलरेडी पोस्ट की हुई है, अगर आपको चाहिए तो आप जाकर देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो इस तरह से मैं अभी बस इसमें मैंने चाशनी और ड्राई नट्स का जो नट्स जो है सारे मैंने इसके ऊपर डाल दिया है, मिक्स कर लिया है। तो देखिए हमारा खोया कितना अच्छा रेडी हुआ है, बहुत टेस्टी बना था। तो इंस्टेंट खोया आप ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छा लगता है। आप मेरी शॉर्ट्स भी जाके देख सकते हो, इंस्टेंट खोया की रेसिपी मैंने पोस्ट की हुई है। तो यहाँ पे मैंने खोया और थोड़े से काजू से मैंने इसको गार्निश करके इसको थोड़ा सा मैंने दम दे दिया था। तो उसके बाद थोड़ा सा मैंने क्लीनिंग कर ली, थोड़ा मॉपिंग कर ली थी और बस मैं थोड़े से मैट्स चेंज कर रही हूँ डोर के और बाथरूम के और किचन के। तो इस तरह से मैंने सारे चेंज कर लिए, घर वगैरह पूरा क्लीन हो गया था, बस अभी फातिहा होगी। तो इंशाल्लाह फातिहा मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हुई। तो बस मैं यहाँ पे अभी सर्व कर लूँगी जो मैंने ज़र्दा बनाया हुआ है राइस, तो उसको मैं सर्व कर लूँगी और उसके बाद फिर इंशाल्लाह फातिहा का। بسم الله الرحمن الرحيم ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين العالمين والصلاة والسلام على ولم شغل له يا رب العالمين جو قرآن پاک پڑا گیا ذکر اپنے فضل اپنے کرم سے قبول و منظور فرما آمین یا رب العالمین ہمارے پڑھنے میں ہمارے سننے میں جو کمزوریاں ہوں گی جو کوتاہیاں ہوئی غلطیاں ہوئی یا رب العالمین اپنی رحمت سے معاف فرما سلام کا اجر ثواب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے تمام انبیاء کرام الصلاۃ والسلام تمام صحابہ کرام امہات المومنین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد تمام صحابہ کرام اولیاء کرام
کام کا تمام اجر و ثواب بالخصوص بالخصوص جو سننے والے ستارے یا رب العالمین تو رحمان رحیم ہے، ہمارے گناہوں کو درگزر کر، تمام کی مدد فرما، تمام کی پریشانیاں دور فرما، آمین آمین سم آمین. انا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء. امید کرتی ہوں آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا، اگر پسند آیا تو ایک ضرور لائک کرنا، شیئر کرنا اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ، اور سبسکرائب کرنا مت بھولنا. ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.